हिसाब किताब का, लोगों के हिसाब किताब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन वो लोग गफलत में है। इकतरबा बहुत ही करीब जो है कोई चीज हो तो उसको बयान करने के लिए आता है, और कयामत करीब है, और जो इंसान मर जाए गोया कि समझिए उस पर कयामत आ गई, क्योंकि उसकी दुनिया की जिंदगी खत्म हो चुकी है। अल्लाह ने कहा वहुम फी गफला, और ये लोग हैं कि गफलत में है। सिर्फ गफलत में होते तो कुछ हद तक ठीक था कि हो सकता है बाद में जो है वो सुधर जाएं, लेकिन अल्लाह ने कहा मुअरिदून, एराज भी कर रहे हैं, पलट करके हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं बल्कि अपनी ही धुन में जिंदगी गुजारते हुए चले जा। लाहियतुल कुलूब, इनके दिल गाफिल हैं, लहो लाइब में है, खेल कूद में। अल्लाह ने कहा कि ये तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए इंसान को। उसके बाद अल्लाह ने यहाँ भी एक चीज जिक्र की कि हमने दुनिया में जितने भी नबी और पैगंबर भेजे सबके सब मर्द थे, आयत नंबर 7 में, और कहा फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें कोई चीज मालूम ना हो तो जानकार लोगों से पूछ लिया करो। फिर इंसानों के जुल्म का और दुनिया के हवाले से कुछ चीजें अल्लाह ने बयान करने के बाद आयत नंबर 22 में एक चीज बयान की, फरमाया लौका नफीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमानो जमीन में कई माबूद होते तो क्या होता, लफसदता, तो आसमानो जमीन का निजाम बिगड़ करके रह जाता। यानी अगर आप तस्वुर करें कि एक से जायद माबूद अगर दुनिया में होता तो क्या हो, क्या होता, फिर जमीन फितने फसाद से भर जाती। वो एक शेर था बचपन में हमने पढ़ा था, अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में, इधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर एक कहता मियाँ चुप रहो, इधर एक कहता कि दुनिया में आज बारिश होगी, उधर एक कहता कि नहीं आज सर्दी होगी, ये जो है फलां की दुआ कबूल करता, वो फलां, मतलब इस तरीके से पूरा निजाम दरहम बरहम हो करके रह जाता। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सिर्फ एक है, वो क्या करता है उससे रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करेगा। आगे अल्लाह ने कयामत का तस्करा किया, और साथ अल्लाह ने ये कहा कि कयामत के दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको इजाजत देगा वही सिफारिश कर सकता है। आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, हमने पानी से हर जिंदा चीज को बनाया। यानी आज दुनिया में जो भी तरक्की है, आप सिर्फ पानी पानी को ले लीजिए, सब सिर्फ पानी की वजह से। अगर अल्लाह पानी की नेमत को छीन ले तो इंसान कितनी नेमतों से महरूम हो जाएगा। दुनिया के अंदर जो रौनकें, जो तरक्कियां, जो तमाम तर चीजें हैं, ये सिर्फ अगर लाइट चली जाए, हॉस्पिटल का निजाम दरहम बरहम हो जाए, लाइट चली जाए ट्रेनों का और सफर करने का निजाम दरहम बरहम हो जाए, लाइट चली जाए कंपनियां फैक्ट्रियां और दीगर बड़ी बड़ी सनातें, ये तमाम तर जो है तबाहो बर्बाद होकर के रह जाएं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए कहा जाता है जल है तो जीवन है, या जल है तो कल है, जल ही जीवन है, और पानी पर इंसानी जिंदगी का दारो मदार है। इसीलिए पानी के मामले में हमें एहतियात करना चाहिए, और पानी को हमें ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए बल्कि इसका इसराफ भी नहीं करना चाहिए, चाहे वजू कर रहे हों, गुसल कर रहे हों, बर्तन धो रहे हों, कपड़े धो रहे हों, या जो कुछ भी कर रहे हों, हमें पानी इसराफ नहीं करना चाहिए, हमारी शरीयत ने इससे मना किया है। अल्लाह ने आयत नंबर 34-35 में कहा वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी को हमेशा के लिए दुनिया में रहने वाला नहीं बनाया, अफ इन मित्ता फहुमुल खालिदून, तो क्या आपकी अगर वफात हो जाए तो ये हमेशा रहेंगे, बिल्कुल नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन मौत के आने से पहले वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें शर के जरिए भी आजमाएंगे, तुम्हें खैर के जरिए भी आजमाएंगे, यानी तुम्हारी जिंदगी में कभी खैर आएगा लेकिन ये तुम्हारी आजमाइश हो रही होगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी शर यानी मुसीबत परेशानी बीमारी आएगी और ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी, लेकिन याद रहे वह इलैना तुरजाउन, हमारी ही तरफ तुम सबको लौटाया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने कयामत का तस्करा किया, इस हवाले से कई एक बातें बयान करने के बाद आयत नंबर 47 में अल्लाह ने कहा कयामत के दिन हम मीजान और तराजू कायम करेंगे लोगों के आमाल नामे तौलने के लिए, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, तो किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, वह इनका न मिसकाल हब्बति मिन खरदलिन अतैना बिहा, अल्लाह कहते हैं अगर किसी की नेकी या बुराई एक राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी होगी, अतैना बिहा, तो हम उसकी वो नेकी वो बुराई लेकर के आएंगे, वकफा बिना हासिबीन, और हिसाबो किताब करने के लिए हम काफी हैं।
आप जानते हैं सूरह है जो पारा नंबर 17 की इब्तिदा में जो हम ये आयतें ले रहे हैं, ये सूरतुल अंबिया की आयतें। अंबिया नबी की जमा है, अंबिया के नाम पर इस सूरह का तस्करा अल्लाह ने किया है। और कुरान मजीद के अंदर 25-26 नबियों का अल्लाह ने जो तस्करा किया है, उनमें से तकरीबन 16 नबियों का गालिबन अल्लाह ने इसी सूरह में तस्करा किया, और इसी वजह से इस सूरह को सूरतुल अंबिया कहा जाता है। देखें, अल्लाह ने सबसे पहले हजरत मूसा और हारून का तस्करा किया कि हमने उनको फुरकान दिया, यानी तौरात नामी किताब दी जो लोगों के लिए रोशनी थी और मुत्तकियों के लिए नसीहत की चीज थी। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तस्करा किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं हमने अपनी तरफ से शुऊर अता किया और उनको हमने आलिम बनाया। वो जब बड़े हुए और उन्होंने अपनी कौम को देखा, अपने अब्बा को देखा कि ये सब बुतों के सामने झुकते हैं, इबादत करते हैं, तो सवाल किया, मा हादिही तमाथील उल्लती अंतुम लआकिफून, आयत नंबर 51-52 से आगे आप देखेंगे, तो कहा कि ये सब मुजस्समे स्टेचू वगैरह क्या है जिनके सामने तुम झुकते हो। तो उन्होंने कहा वजदना आबा अना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए देखा है तो हम भी कर रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अगर बात ऐसी है लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, तो सुनो तुम और तुम्हारे बाप दादा सब के सब खुली हुई गुमराही में हो। तो इन लोगों ने कहा अजीतना बिल हक अम अंत मिन अल्लाइबीन, क्या तुम हमारे पास कोई हक बात लेकर के आए हो या बस हंसी मजाक खिलवाड़ कर रहे हो हमसे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द अल्लज़ी फतरहुन, सुनो तुम्हारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है, जिसने इन सबको पैदा किया और मैं इस पर गवाह हूं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मन ही मन में इरादा किया और बास लोगों के सामने जाहिर भी किया कि मैं इन सारे माबूदों को तोड़ दूंगा। एक दिन मौका हाथ लगा, कौम के लोग एक खुशी के मौके पर शहर से गांव से बाहर चले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी कहा, तो इन्होंने बहाना बनाया, तौरिया किया और कहा मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। जब सारे लोग चले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई, इनके सामने आए, उनसे पूछा मा लकुम ला तंतिकून, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम खाते क्यों नहीं हो, ये सब रखे हुए हैं तुम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, तुम बोलने की सलाहियत नहीं रखते हो। और उसके बाद कुल्हाड़ी उठाया, एक तरफ से तमाम जो है बातिल माबूदों को तोड़ दिया, और बातिल माबूदों को तोड़ने के बाद इल्ला कबीरा, बड़े बड़े वाले को छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े वाले को छोड़ दिया और बड़े वाले को छोड़ने के बाद कुल्हाड़ी उसी की गर्दन में लटका दी। अब जब लोग वापस आए, लोगों ने वापस आकर के देखा कि ये सब कैफियत बदली हुई है और हमारे माबूद टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, तो सवाल किया मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन अज़्ज़ालिमीन, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया, यकीनन वो बड़ा जालिम है। तो किसी ने कहा कि एक नौजवान है जिसे इब्राहिम कहा जाता है, हमने सुना था वो ऐसा और ऐसा हमारे माबूदों के बारे में कहता था, लगता है उसने ही किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, कहा लेकर के आओ, लाए गए, सवाल हुआ अंत फअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या तुमने ऐसा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बल फअलहु कबीरुहुम हाज़ा, बल्कि उनके इस बड़े वाले ने किया है, फसअलूहु पूछ लो, किसे, बड़े वाले से नहीं, ये जो गिरे हुए इनसे पूछो कि बड़े वाले ने किया, किसने किया, इनकानु यंतिकून, अगर ये जो टूट गए तुम्हारे माबूद थे इनसे पूछो, अगर ये बोलते हो पूछो इनसे। फरजऊ इला अनफुसिहिम, तो तमाम लोग अपने दिल ही दिल में सोचने लगे अरे ये तो बोल ही नहीं सकते, इससे इनसे हम कैसे पूछ सकते हैं। फकालु इन्नकुम अंतुमुल, लेकिन जब एहसास हुआ कि अपने माबूदों के बारे में हम ऐसा ऐसा गुस्ताखी वाला जुमला सोच रहे हैं, तो कहा इन्नकुम अंतुमुल ज़ालिमून, तुम सबके सब जालिम हो, ये क्या सोचने लगे। तो मनु किसु अला रोसे, फिर अपने सरों को झुकाया उन लोगों ने और कहा लकद अलिम तमाहा उलाई यंतिकून, कहा इब्राहिम तुम तो जानते हो कि ये तो बोल नहीं सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अफतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैय्यन व ला यदुर्रुकुम, तो फिर तुम ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिनकी तुम इबादत करते हो उन सब पर अफसोस, अफला तअकिलून, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है। फिर उसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए और कहा हर्रिकूहु, आग जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कर सकते हो। आग जलाई गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में जिस आग के शोले आसमान से गोया की बातें कर रहे थे उसमें डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह ने अपने खलील की, अपने नबी और पैगंबर की हिफाजत की और कहा या ना रुकूनी, ए आग तू हो जा, बर्दम व सलामा, ठंडी भी हो जा, लेकिन इतनी ठंडी नहीं कि इब्राहिम को तकलीफ हो, बल्कि ठंडी भी हो जा, सलामती वाली हो जा। इब्राहिम पर चुनांचा आग
ठंडी हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस मुश्किल से बचा लिया। ये तफसील अल्लाह ने यहाँ जिक्र की। उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम का तस्करा किया, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तस्करा किया। बड़ एक एक आयत में मुख्तसर बातें हैं। और उसके बाद अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, फिर दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया। दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, जो बाप और बेटे हैं, इनके ताल्लुक से गुफ्तगू इंशाअल्लाह सूरतुन नमल में आएगी, पारा नंबर 19 में, वहां हम तस्करा करेंगे। आयत नंबर 83 और 84 में अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा किया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से भी गुफ्तगू इंशाअल्लाह पारा नंबर 23 में आएगी, वहां हम बयान करेंगे। यहाँ सिर्फ इनकी दुआ का तस्करा है, लेकिन वहां इनसे मुतालिक कई एक बातें अल्लाह ने जिक्र की हैं, तो पारा नंबर 23 में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद इस्माइल और इदरीस दो नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया, मुख्तसर तस्करा, और जुल्किफ्ल नाम के एक नबी हैं, उनका भी तस्करा किया। अल्लाह ने कहा ये सब सब्र करने वाले थे। और फिर अपने एक नबी हजरत इस्माइल अली सलातु हजरत यूनुस अली सलाम का अल्लाह ने तस्करा किया, और उनको जुन्नून कहा है, मछली वाले नबी। तो अल्लाह ने कहा वदन्नूनी इज़्ज़हब मुगाज़िबा, यूनुस अली सलाम को याद करो जब वो अपनी कौम से भाग खड़े हुए। क्यों भागे? हजरत यूनुस अली सलातु वसलाम ने अपनी कौम को समझाया, जो नैनवा नाम का एक इलाका है, अल्लाह ने 1 लाख लोगों के दरमियान उनको नबी बना करके भेजा। अब जब वो गए, कौम के लोगों को समझाया, तौहीद की दावत दी, कौम के लोग नहीं माने, तो यूनुस अली सलाम ने कहा तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा और फला दिन आएगा। अजाब का दिन आने से पहले ही हजरत यूनुस अली सलाम ने वो इलाका छोड़ दिया। अल्लाह को इस बात पर कौम के लोग ईमान नहीं लाए थे, तो गुस्से की वजह से छोड़ करके गए। कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था कि यूनुस आपको यहाँ से चले जाना है, लेकिन उन्होंने पहले छोड़ दिया। ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन, और ये भाग करके गए, एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती के लोगों ने जो है इनको बिठा लिया, सवार कर लिया। अब जब कश्ती चलने लगी, तो कश्ती में जो है कश्ती डामाडोल होने लगी, हिलने लगी, तो लोगों ने कहा कि इसका जो है वजन कम करना पड़ेगा, वरना कश्ती डूब जाएगी। कुरानदाजी की गई, यूनुस अलैहि सलाम का नाम आया, का इतने अच्छे आदमी को हम कैसे फेंक सकते हैं। फिर जो है कुरानदाजी की गई, फिर कुरानदाजी, कई बार कुरानदाजी की गई, लेकिन यूनुस अलैहि सलाम का नाम आता रहा। उठा करके उनको समंदर में फेंक दिया गया। अब जब समंदर में गए, तो अल्लाह इनको जो है जाय नहीं करना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में पहुंचा दिया। अब मछली के पेट में पहुंचे, तो वहां रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, फिर जुलुमात अल्लाह ने कहा, तारीखियों में थे, अंधेरों में थे। अंधेरे में पहुंचने के बाद अल्लाह से दुआ किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिन अज़्ज़ालिमीन। तीन चीजें अपनी दुआ में जिक्र की, ए ला तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तौहीद का हवाला दिया। सुभानका तेरी जात पाक है, तूने मुझे मछली के पेट में पहुंचाकर कुछ गलत नहीं किया, तू पाक है, मैं ऐबदार हूं। ये दूसरी चीज तस्बीह। नंबर तीन, इन्नी कुंतु मिन अज़्ज़ालिमीन, अपने गुनाह का एतराफ किया। आपकी दुआओं में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, नंबर एक तौहीद, नंबर दो अल्लाह की तारीफ तस्बीह, और नंबर तीन अपने गुनाह का इकरार। ये तीन चीजें जब होंगी कम से कम, और हदीस के हवाले से एक बात ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, अगर ये चीजें हों, फस्तजबना लहू, तो अल्लाह कहते हैं हमने उनकी दुआ कबूल की, वनज्जैनाहु मिनल गम, और हमने उनको परेशानी से, मुश्किल से निजात दे दी। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसा सिर्फ यूनुस अलैहि सलाम के साथ खास नहीं था, बल्कि ऐसा हम तमाम मोमिनों को निजात देते हैं। तो अगर मुश्किल से निजात चाहिए, तौहीद का हवाला दीजिए, तस्बीह बयान कीजिए और अपने गुनाह का एतराफ कीजिए। उसके बाद हजरत जकरिया अलैहि सलाम का, उनके बेटे यहया अलैहि सलाम का जिक्र है। तो ये तकरीबन 16 अंबिया का अल्लाह ने जिक्र किया है, मूसा, हारून, इब्राहिम, और उसके बाद हजरते लूत, इसहाक, याकूब, और फिर इसके बाद हजरते नूह अलैहि सलाम, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब और इस्माइल, इदरीस, जुलकिफल, यूनुस, जकरिया और यहया। ये 16 नबियों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में तذکرہ किया और कहा कि ये सब के सब नेक थे। और क्या थे? इन्नहुम कानू युसारिउना फिल खैराति व यदउनना रगबा व रहबा, आयत नंबर 19। ये सब के सब नेकी के कामों में आगे बढ़ने वाले थे, एक दूसरे से मुकाबला करने वाले थे। कैसे? रगबन, शौक के साथ भी, वराहबन, और अल्लाह का डर रख करके भी। तो हमारी जिंदगी में, इबादतों में आगे बढ़ने के लिए हमें जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और
अल्लाह की इबादत कैसे करे उम्मीद के साथ कि इबादतों पर जन्नत मिलेगी, और डर करके भी कि कहीं ऐसा ना हो कि इबादत में कोताही हो जाए तो अल्लाह हमें जहन्नम के अंदर डाल दे। उसके बाद इसी जिम्न में अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहि सलातु वसलाम का तस्करा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने नेक अमल का तस्करा किया है, याजूज माजूज का तस्करा किया है, कयामत का तस्करा आया है। और इस जिम्न में अल्लाह ताला ने सूरा के आखिर में आयत नंबर 107 में फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको पूरी कायनात वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत हैं, पूरी दुनिया वालों के लिए, इंसानों जानवरों तमाम मखलूकात के लिए वो रहमत वाले थे, मेहरबान थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है सूरतुल हज का तस्करा शुरू किया, और सूरतुल हज की इब्तिदा में अल्लाह ने कयामत का तस्करा किया है, कयामत का तस्करा किया है इसलिए कि कयामत, सूरतुल हज में कयामत का तस्करा इब्तिदा इसलिए कि कयामत जैसा मंजरनामा हज के दरमियान होता है कि लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती है, तमाम चीजें, लोगों का इज्तिमा होता है, लोगों की भीड़ होती है, इस हवाले से भी हमें कयामत को याद करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब का तकवा इख्तियार करो, इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक कयामत का जलसला बहुत बड़ी चीज है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन आप देखेंगे कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने जो है सीने से अपने बच्चे को अलग कर देगी, तदौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, हर हामिला औरत अपने हमल को गिरा देगी, व तरन नास सुकारा, आप लोगों को देखेंगे तो लगेगा कि लोग नशे में हैं, व मा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशा नहीं होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। ये अल्लाह का अजाब है, हमें कयामत के दिन से और उसके अजाब से अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। उसके बाद इंसान को कैसे अल्लाह ने पैदा किया है, अलग अलग मरहलों में, मिट्टी से, फिर उसके बाद जो है नुतफा, फिर वो अलका गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर उसमें रूह डाली जाती है, ये तमाम मराहिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किए हैं। कुछ इंसानों का तस्करा किया है, जो इंसान दुनिया के अंदर अपने मतलब और मफाद की बुनियाद पर अल्लाह की इबादत करते हैं, काम बन रहा है तो इबादत करेंगे, काम नहीं बन रहा है तो इबादत छोड़ देते हैं, ये तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए। आयत नंबर 17 में अल्लाह ने ईमान वालों का, यहूदियों का, मजूसियों का, मुशरिकीन का, और जो है ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क करने वालों का, ईसाइयों का तस्करा किया है, और कहा इन सब के दरमियान अल्लाह कयामत के दिन फैसला करेगा कि कौन नेक था कौन बुरा था। आयत नंबर 18 में अल्लाह ने कहा कि कायनात की तमाम चीजें अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, चाहे वो आसमान में रहने वाले हों, जमीन में रहने वाले हों, सूरज हो, चांद हो, सितारे हों, पहाड़ हो, पेड़ हो, जानवर हो, और लोगों में से भी हो, कोई भी हो, ये तमाम लोग अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। लेकिन इंसानों में से कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर वो मस्त हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने कुफ्र किया हम उन्हें जो है आग का दिया जाएगा, और फिर नेक लोगों का अल्लाह ने बदला बयान किया है। आयत नंबर 26 से आगे की आयतों में अल्लाह ने हज का तस्करा किया है। पहले अल्लाह ने अपने अपने बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे घर को पाक कर दीजिए, मेरे साथ शिर्क मत कीजिए, मेरे घर को, खाने काबा को पाक कर दीजिए। और इस हवाले से कि खाने काबा कौन सा घर है, पहला घर है, और उसकी पूरी फजीलत पारा नंबर 4 की इब्तिदा में हम बयान कर चुके हैं, तो अल्लाह ने कहा कि आप मेरा घर पाक साफ कर दीजिए, किसके लिए, कयाम करने वालों के लिए, रुकू और सजदा और तवाफ करने वालों के लिए मेरे घर को साफ कर दीजिए, और जाइए लोगों में हज का ऐलान कीजिए। यहाँ से हज का जो है, हज जैसी इबादत शुरू होती है, इससे पहले हज वाली इबादत नहीं थी, तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज किया, और यहाँ से हज जैसी इबादत का आगाज होता है। अल्लाह ने कहा लोगों में ऐलान कीजिए, लोग शौक के साथ सवारी पर, पैदल, जैसे भी उनको सहूलत होगी, वो हमारे घर के यहाँ आएंगे, मक्का में हज करेंगे, ताकि यहाँ के जो है यहाँ आकर के फायदा भी उठाएं, अल्लाह को याद भी करें, और अल्लाह को याद करके अपनी दुनिया भी बना लें और अपनी आखिरत भी बना लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ये आवाज पूरी दुनिया में पहुंची, और आज उसी का नतीजा है कि लोग शौक के साथ पैसे खर्च करके अल्लाह की इबादत के लिए खाने काबा जाते हैं और हज जैसा फरीजा अंजाम देते हैं।
अल्लाह ने फरमाया ये सब अल्लाह ने तमाम चीजों की अजमतें रखी हुई हैं, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों की ताजीम करे, दरअसल वही बंदा असल में तकवा वाला है। और अल्लाह ने जानवरों का तस्करा किया, जिन जानवरों की कुर्बानी हम पेश करते हैं, अल्लाह ने कहा खुद भी खाओ, गरीबों को भी खिलाओ और मुहताजों को गोश्त पहुंचाओ। और याद रहे, जो भी नेकी करो, हज की नेकी, उमरा की नेकी, कुर्बानी की नेकी, जानवर को जबह करने की नेकी, जो भी नेकी तुम कर रहे हो, लन यनाल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह को इन जानवरों का न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, और बल्कि अल्लाह तुम्हारा तकवा देखता है कि किस नीयत से तुम अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हो। आयत नंबर 38 में अल्लाह ने बयान किया कि अगर एक बंदा मोमिन है तो अल्लाह उसकी तरफ से डिफेंस करता है, दिफा करता है, अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है। और साथ ही साथ अल्लाह ने आगे ये भी कहा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, आयत नंबर 40 में, कि जो अल्लाह की मदद करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद करेगा, यानी आप दीन पर रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर भी जरूर आपकी मदद फरमाएगा। फिर झुठलाने वाली कौमों का अल्लाह ने तذکرہ किया है कि इन लोगों ने झुठलाया तो इनका अंजाम बुरा हुआ। और फिर इस किस्म की बातें अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई आयत नंबर 49 में, कि आप लोगों के दरमियान ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम्हें डराने वाला हूँ, जो नेक अमल करेगा उसके लिए जन्नत, जो बुरा करेगा उसके लिए जहन्नम, और इसी किस्म की बातें। फिर तौहीद वगैरह का तस्करा आयत नंबर 50 के बाद आयत नंबर 56 में, अल मुल्क यौमा दिल्लिल्लाह, उस दिन बादशाहत अल्लाह की होगी। और फिर अल्लाह ने अपनी मुख्तलिफ खसूसियात, तारीफात, कमालात, खूबियों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्करा किया है, और लोगों को तौहीद समझाने के लिए मुख्तलिफ तरह के अंदाज अल्लाह ने इख्तियार किए हैं। और तौहीद को समझाने के लिए इस सूरा के और इस पारे के आखिर में आयत नंबर 73 में अल्लाह ने एक बहुत ही खूबसूरत सी मिसाल बयान की है। फरमाया अय्युहन नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, ऐ लोगो एक मिसाल बयान की जाती है, गौर से सुनो। ऐ लोगो एक मिसाल बयान की जाती है, गौर से सुनो। कौन सी मिसाल? इन्नल लदीना तदउन मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह, अल्लाह ने फरमाया बेशक जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, ये एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे सब के सब जमा हो जाएं, ये तमाम माबूदाने बातिला एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है, वही यस्लुबुहुमुज़्ज़ुबाबु शैअल्ला यस्तन्क़िदूहु मिन, कि अगर इनके ऊपर जो सामान, जो चीजें चढ़ाई गई हैं तबर्रुक समझ करके या जो कुछ भी समझ करके, अगर कोई मक्खी इनके सामान में से कोई चीज उठा ले, ला यस्तन्क़िदूहु मिन, ये सब मिल करके उसको हटा भी नहीं सकते, उसको रोक भी नहीं सकते। ज़ौफ़ अत्तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। ये इंसान का दिमाग कितना पागल है, कितना बेवकूफ है इंसान, कि जिस अल्लाह ने इन तमाम चीजों को पैदा किया है उस अल्लाह को छोड़ करके ये इंसान जाता है, उससे मांगता है जो मर चुका है, उससे मांगता है जो बेबस है, उससे मांगता है जो लाचार है, उससे मांगता है जो हिल नहीं सकता, उससे मांगता है जो खुद मदद का मोहताज है। ये इंसान की कमजोरी, इंसान की बेवकूफी की दलील है। इसीलिए अल्लाह ने कहा मा कदरुल्लाह हक कदरी, जैसी अल्लाह की इज्जत करनी चाहिए थी वैसी इज्जत इन लोगों ने अल्लाह की नहीं की। इन अल्लाह लकवीयुन अजीज, अल्लाह तो ताकतवर भी है, अल्लाह गालिब भी है, अल्लाह सब कर सकता है और अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग अल्लाह का ख्याल नहीं रखते हैं। अल्लाह ने आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ, आयत नंबर 78 में, कि कामयाबी चाहिए तो 5 काम कीजिए। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 रुकू, नंबर 3 सजदे, नंबर 4 इबादत, और इबादत में तमाम चीजें आ जाती हैं, नंबर 5 वफ़अलुल खैर, हर तरह की नेकी कीजिए, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और उसके बाद अल्लाह ने दीन के रास्ते में लगे रहने की फजीलत बयान की है, और कहा दीन के रास्ते में लगे रहोगे, नमाज कायम करोगे, जकात अदा करोगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहोगे, तो याद रखो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, और अल्लाह से अच्छा दोस्त कोई नहीं, अल्लाह से बेहतर मदद करने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद पारा नंबर 18 का आगाज होता है सूरतुल मोमिनून के हवाले से चंद बातें हैं, वो तस्करा करके इंशाल्लाह गुफ्तगू हम खत्म करेंगे। छोटी सी सूरा है। अल्लाह ने कहा कद अफलहल मोमिनून, सूरतुल मोमिनून है, मोमिनों के नाम पर ये सूरा है। अल्लाह ने कहा मोमिन कामयाब हो गए, कौन से मोमिन? जिनके अंदर फला फला खूबियां हो। नंबर 1 जो नमाज खुशू खुजू मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ते हो। नंबर 2
जो बुरी बातों से दूर रहते हो, बुरी चीजों से दूर रहते हो, लघु चीजों, फालतू चीजों से दूर रहते हो। नंबर 3, ज़कात अदा करते हो। नंबर 4, अपनी शर्मगाह की इज्जत की हिफाजत करते हो। नंबर 5, जो अमानतों का ख्याल रखते हो। नंबर 6, जो वादों को पूरा करते हो। नंबर 7, फिर से अल्लाह ने नमाज का तذکرہ किया, जो नमाज की मुहाफजत यानी पाबंदी करते हैं, जो नमाज को कंटिन्यू पढ़ते हैं, छोड़ते नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ये तो कामयाब ही हैं, लेकिन कामयाब होने के साथ साथ उलाइका हुमुल वारिसून, ये वारिस हैं किसके? अल्लजीना यरिसून अलफिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के ये वारिस हैं। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। जन्नतुल फिरदौस क्या है? जन्नत में सबसे आला मकाम, हाई लेवल जो बंदों को मिलने वाला है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते रहो। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। बहुत से लोग कहते हैं जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौस मिल गई तो उसमें आला से आला मकाम क्या? वो खुद सबसे आला, वो खुद सबसे आला। तो ये दुआ करते रहना चाहिए। उसके बाद फिर अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक का तस्करा किया कि कैसे अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। और आयत नंबर 18 में पानी अल्लाह आसमान से नाजिल करता है, उसका तस्करा किया। उस पानी के जरिए अल्लाह खेतियां, गल्ले, अनाज, फल, फ्रूट, मेवे पैदा करता है, उसका तस्करा किया। फिर आयत नंबर 23 से लेकर के आयत नंबर 32 तक अल्लाह ने नूह अलैहि सलाम की कौम का तस्करा किया। और ये सारी बातें पारा नंबर 12 में हम बयान कर चुके हैं, और आगे भी इसी किस्म का तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है नूह अलैहि सलाम की कौम के हवाले से। फिर मूसा अलैहि सलातु वसलाम का तस्करा किया, उनके भाई हारून का तस्करा किया, फिरौन का तस्करा किया है। और ये गुफ्तगू आयत नंबर 50 तक जाकर के खत्म होती है। छोटी छोटी आयतें हम जो है उसको स्किप नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले बात बयान कर चुके हैं इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। आयत नंबर 51 में एक अहम बात जो अल्लाह ने जिक्र की है कि या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो पाकीजा और हलाल चीज खाओ, नेक अमल करो। अब आप देखें हलाल माल की इतनी अहमियत है कि अल्लाह अपने पैगंबरों को भी कह रहा है कि हलाल माल खाओ। अच्छा, हलाल माल खाओगे तो नतीजा क्या आएगा? वअमलू सालिहा, नेक अमल करने की तौफीक मिलेगी। गोया कि जो बंदा हराम खाता है उसे नेक अमल करने की तौफीक नहीं मिलती है। इसलिए हलाल खाइए और हलाल इस्तेमाल कीजिए। आयत नंबर 57 से अल्लाह ने अपने उन बंदों का तस्करा किया है जो नेक है। अल्लाह ने कहा ये अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, और जो कुछ दिया गया है इनको वो उस पर राजी रहते हैं। उनका दिल डरता रहता है कि उन्हें अल्लाह की तरफ पलटना है, नेकी में जल्दी करते हैं, और इनके दिल जो है हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। और ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके हवाले से बयान की। फिर मुशरिकीन का अल्लाह ने तस्करा किया है। मुशरिकीन के तस्करे में अल्लाह ने जब बात इनकी आई तो अल्लाह ने कहा, तो अल्लाह ने फिर अपना तस्करा किया कि मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर किसी और को उसका साझी बना लेते हैं, जबकि अल्लाह कौन है? आयत नंबर 78 देखिए, अल्लाह फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वो अल्लजी अनशा लकुम अस्समा वल अबसार वल अफीदा, कि वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए कान बनाया, आंखें बनाई, दिल बनाया, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। वो अल्लजी ज़रअकुम फिल अर्ध, वही वो जात है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया, वही वो जात है जो जिंदा करता है, मारता है, और वही वो जात है जो रात और दिन को लेकर के आता है, लेकिन लोगों ने क्या किया? अल्लाह के साथ किसी और को भी उसका पार्टनर बना लिया, और कहने लगे कि क्या जब हम मर जाएंगे, हड्डियां गल सड़ जाएंगी, दोबारा उठाया जाएगा? तो अल्लाह ये वादा तो हमारे बाप दादा से भी किया गया, तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो अल्लाह ने कहा कि इनसे पूछो आसमानों जमीन की बादशाहत किसकी है, तो ये कहेंगे अल्लाह की। इनसे पूछो सातों आसमान का और अर्श अजीम का, बहुत बड़े अर्श का रब कौन है, ये कहेंगे अल्लाह। इनसे पूछो हर चीज की बादशाहत किसके हाथ में है, कौन पनाह देता है, कहेंगे अल्लाह। तो अल्लाह कहता है कि जब तुम सारे सवालों का जवाब दे रहे हो कि अल्लाह सब करता है, फिर तुम कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों दीवाने बन करके फिर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अपने आप को क्यों नहीं लगा लेते हो? अल्लाह ने कहा शैतान आता है तुम्हारे पास, वसवसा डालता है, शैतान के वसवसों से बचना है तो ये दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ? अल्लाह ने आयत नंबर 97 और 98 में दुआ जिक्र किया, रब्बी अऊजु बिका मिन हमजाति शयातीन, ऐ मेरे रब तो मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान के वसवसों से, वह अऊजु बिका और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ रब्बी, ऐ मेरे रब किस बात से, अय यहदुरून कि ये शयातीन मेरे पास हाजिर हों। इससे बचना है, ये दोनों दुआएं आप पढ़ लें जो एक साथ है आयत नंबर 97 98 में, रब्बी अऊजु बिका मिन हमजाति शयातीन व अऊजु बिका रब्बी अय यहदुरून।
अब उसके बाद सूरतुल मोमिनून की जो आखिरी आयतें हैं, अल्लाह ने एक ऐसे बंदे का तस्करा किया है आयत नंबर 99 में कि जिसने दुनिया में नेकियां नहीं की, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आता है और उसको लगता है कि अब मैं मर जाने वाला हूं, तो वो क्या कहता है, अल्लाह से गुजारिश करता है, रब इरजिउन, ऐ मेरे रब तू मुझे दुनिया में वापस कर दे। क्यों? लअल्ली अमल सालिहा, ताकि मैं नेक अमल करूं, फी मा तरक्तु, बहुत कुछ करना रह गया था, नेक अमल नहीं कर सका था, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, वापस कर दे। तो अल्लाह कहते कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुआ कायलुहा, ये इस बंदे के दिल में बात आई, उसने कह दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उसूल है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं, मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं, और ऐसे ही जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर उसको जो है मोहलत नहीं दी जाती है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअथून, और जब मरने के बाद तुम्हारे लिए एक बरजक की जिंदगी है, कयामत के कायम होने तक ये बरजखी जिंदगी का मामला चलता रहेगा, और फिर सूर में फूंक मारा जाएगा, कयामत आएगी, कयामत के बाद फिर उठाया जाएगा लोगों को, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो कामयाब और जिसकी बुराइयां ज्यादा होंगी वो नाकाम। और फिर अल्लाह ने ऐसे लोगों का तذکرہ किया कि हम इनको जहन्नम में डालेंगे, तो अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह दुनिया में हम बहुत बुरे रहे, हमारा दिमाग खराब रहा, ऐ अल्लाह दुनिया में वापस कर दे ताकि नेक अमल करें। अल्लाह कहते नहीं, वापस नहीं किया जाएगा। और इस सूरह के आखिर में अल्लाह ने कहा, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, 115 में, कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। याद रखो, अल्लाह ताला बादशाह है, वो हक है, और उसने जो उसूल बना दिया उसी के हिसाब से फैसले करता है। दुनिया की जिंदगी मिली हुई है, अच्छा काम करो और ये दुआ करते रहो। आखिरी आयत में अल्लाह ने दुआ जिक्र की, रब्बि ग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन, क्या मेरे रब तू मुझे माफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, इसलिए कि तू सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। ये सूरतुल मोमिनून तक हमारी गुफ्तगू हुई। कल इंशाअल्लाह सूरतुल नूर, जिसके अंदर बहुत से मसाइल हैं, खास तौर से खवातीन से मुताल्लिक और शादीशुदा जिंदगी से मुताल्लिक, घरेलू मसाइल से मुताल्लिक बातें हैं, वो तस्करा होगा। सूरतुल फुरकान है और सूरतुल शुअरा, दो तीन सूरतों का इंशाअल्लाह कल की मजलिस में हम तस्करा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सभी को कुरान और हदीस की बातों को पढ़ने, समझने, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है भाई, सनाबिली का मतलब? देखे, सनाबिल एक मदरसा है दिल्ली में, जामिया इस्लामिया सनाबिल, बहुत बड़ा मदरसा है, वहां से जो लोग पढ़ करके निकलते हैं उनको सनाबिली कहा जाता है। आया 60 सूरे मोमिनून की डिस्कस, हमारे अंदर इस क्वालिटी की बहुत कमी है।